हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे, पाठ 13 पहाड़ों से समुद्र तक, भाग 1। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नदी में पानी पहाड़ों पर जमी बर्फ के डैश से आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पिघलने। नदी में पानी पहाड़ों पर जमी बर्फ के पिघलने से आता है। प्रश्न 2, निम्न समुद्रों नदियों में पाए जाने वाले जीवों के नाम बताइए। अरे, यह तो व्हेल मछली का चित्र है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेल। आपको पता है बच्चों, ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चित्र, इसे तो आप पहचान ही गए होंगे बच्चों। यह चित्र है ऑक्टोपस का। ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं, इसीलिए इसे ऑक्टोपस कहते हैं। और तीसरा चित्र, इसे तो सभी जानते हैं, यह तो मगरमच्छ का चित्र है। तो यहाँ हम लिखेंगे मगरमच्छ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इस कथन के विषय में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर अपने शब्दों में लिखेंगे कि जल हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो अपने विचार यहाँ व्यक्त करने हैं। आप सभी बच्चे अपने अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, हमें पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा, खाना पकाने व बर्तन धोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। नहाने व कपड़े धोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। चौथा, साफ सफाई करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पांचवा, पेड़ पौधों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। छठा, पशु पक्षियों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सातवा, जल यातायात तथा बिजली पैदा करने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। आठवा, इतना ही नहीं, कई रीति रिवाजों और त्योहारों में भी पानी की ज़रूरत होती है। इस प्रकार जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, प्रस्तुत चित्र में कौन सी स्थिति दर्शाई गई है? इस स्थिति में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं, चित्र में बाढ़ की स्थिति दर्शाई गई है। इस स्थिति में लोगों को निम्नलिखित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहला, घरों में पानी भर जाता है। दूसरा, लोग बेघर हो जाते हैं। तीसरा, खाने पीने के सामान की कमी हो जाती है। चौथा, लोगों को भूखे प्यासे रहना पड़ता है। पांचवा, अपना सब कुछ छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है। छठा, बाढ़ से तरह तरह की बीमारियां भी फैलती हैं। सातवा, लोग बीमार हो जाते हैं। आठवा, बाढ़ से लोगों को तन मन धन की हानि होती है। नौवा, पशु पक्षी भी बीमार व मर जाते हैं। दसवां, आजकल तो वैसे भी कोरोना फैला है और बाढ़ की वजह से वहाँ के लोगों में इसका संक्रमण और बढ़ सकता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। नोट, पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं ताकि जब बाढ़ आए तो मिट्टी बह न जाए और पेड़ खड़े रहें। हमें बाढ़ को रोकने के लिए और पेड़ लगाने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, जल ही जीवन है, इस शीर्षक को चरितार्थ करते हुए एक पोस्टर बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आप जल ही जीवन है, पानी के मूल्य को समझते हुए एक पोस्टर बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। तो यह कार्य आपको स्वयं करना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ कुछ चित्र लगा दिए हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से पोस्टर बना सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, व्यक्तिगत स्वच्छता, नहाना, दांतों का ब्रश करना, कंघी करना, हाथ धोना, चेहरा धोना, जूते के फीते बांधना आदि। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, अपने शरीर को अच्छी तरह साफ रखने और उचित देखभाल करने को ही व्यक्तिगत स्वच्छता कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गांधी जी का चित्र दिया हुआ है और उसके नीचे लिखा है स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में अच्छी आदत दिखाई गई है, नहाना, ब्रश करना, अच्छे से तैयार होना, बालों को कंघी करना इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के लिए गतिविधियाँ, विद्यार्थी व्यक्तिगत स्वच्छता विषय पर एक चित्रात्मक कोलाज बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित अलग अलग चित्र को इकट्ठा करके एक कोलाज बनाना है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व को बताते हुए एक छोटी सी कविता लिखें, बोलें अथवा छोटा सा गीत गाएं। तो बच्चों यह कार्य आपको स्वयं करना है। आप कोई छोटी सी कविता लिखेंगे या उसे बोलेंगे या कोई गीत गाएंगे और उसकी रिकॉर्डिंग करके अपने अध्यापक अध्यापिका को भेजेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।